हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हो बॉलीवुड दम चैनल। आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजीएफ का जो क्रेज है वो इंडिया से लेकर अब ओवरसीज तक पहुंच चुका है। मतलब ये है कि इंडिया पे केजीएफ का जितना क्रेज है ओवरसीज में भी उतना ही है। क्योंकि दोस्तों, केजीएफ के जो राइट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस पे सोल्ड हुए हैं। अब ये कनाडा फिल्म के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि कोई भी कनाडा फिल्म के जो राइट्स हैं इतने ज़्यादा प्राइस पे खास करके नॉर्थ अमेरिका में सोल्ड नहीं हुए हैं आज तक। अब बात यहाँ पर आती है कितने ज़्यादा प्राइस पे सोल्ड हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ केजीएफ के जो राइट्स है वो नॉर्थ अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ रुपीस में सोल्ड हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक कोई भी कनाडा फिल्म के राइट्स इतने ज़्यादा प्राइस पे नॉर्थ अमेरिका में सोल्ड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये केजीएफ का और एक नया रिकॉर्ड है जो उसने बना दिया है रिलीज से पहले ही। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि नॉर्थ अमेरिका में केजीएफ को कितना करोड़ कमाना पड़ेगा ताकि ये वहाँ पर हिट हो सके। तो मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्थ अमेरिका में केजीएफ 5 करोड़ से ज़्यादा रुपीस का कमाई कर लेता है तो वहाँ पर उसको हिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन वो अगर 4.5 करोड़ से कम का कमाई करता है तो वहाँ पर फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, केजीएफ के लिए 5 करोड़ कमाना नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही मामूली टास्क है, और ये आराम से जो है 5 करोड़ से ज़्यादा का कमाई कर ही लेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 करोड़ क्या है, 10 करोड़ भी वहाँ पर पार कर ले। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है और एक प्राउड मोमेंट है कनाडा फिल्म के लिए, जो कनाडा फिल्म का जो जादू है अब इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज में भी सर चढ़कर बोल रहा है। और दोस्तों, आज रिलीज होगी शाम के ठीक 6:30 पर केजीएफ का फर्स्ट सॉन्ग सलाम रॉकी भाई। तो आप जो है ऐश को सलाम देंगे या नहीं, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दें। और आपको इस सॉन्ग का इंतज़ार है कि नहीं, कमेंट सेशन में ये भी बताएं। और ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।